इस बात करेंगे फ्रीडम मूवी के बारे में जो कि सच्ची घटना से इंस्पायर है। इसमें ब्रूनो, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका एक दोस्त, इनकी जो है ना एक सच्ची कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है कि इन लोगों ने जो है ना कितनी जगह पर रोबरी की है, यानी कि चोरी की है, और उन पैसों का इन लोगों ने क्या किया, और पुलिस जो है इन्हें पकड़ भी पाई थी या नहीं पकड़ पाई थी, उसी को जो है ना ये मूवी दिखाती है। बाकी बात करें तो ये जो मूवी ना रोबरी पर बेस होने वाली है और तीन लोगों की जो ना सच्ची कहानी को ये मूवी दिखाती है। तो रोबरी वाली चीजों को सुनकर आप लोगों ने बहुत सारी रोबरी वाली मूवी देखी होगी, तो ज्यादा उम्मीद मत लगा लेना कि ये जो है ना बहुत खतरे वाली जगहों पर जाते हैं रोबरी करते, यानी कि चोरी करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ये लोग किसी मॉल में, शॉप में जाकर जो है ना चोरियां करते हैं और पुलिस जो है ना इनके पीछे जो है ना भागती रहती है पकड़ने के लिए, और ये लोग चोरी करते रहते हैं और पुलिस से भागते रहते हैं। तो पकड़म पकड़ाई जो है ना चोर और पुलिस के बीच में ना, उसी को जो है ना ये मूवी जो है ना दिखाती है और वही देखने के लिए मिलने वाला है। ज्यादा उम्मीदें मत लगा लेना, बहुत सारी रोबरी वाली अपने माइंड ब्लोइंग मूवी देखी होगी जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दिमाग लगाते हैं, बहुत ही खतरनाक जगहों पर बहुत सारी सोना चांदी ये सब कुछ लूटने के लिए, तो ऐसा कुछ इस मूवी में नहीं है। बाकी बात करें तो जो कि ये मूवी जो है ना एक सच्ची घटना से इंस्पायर है, एक तीन लोगों की सच्ची कहानी को ये मूवी दिखाने की कोशिशें करती है, तो इसमें आपको एक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत जो है ना भूखे लात शायद कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा बात करें तो हाँ, रोमांस आपको देखने के लिए मिलता है, थोड़ा बहुत उस टाइप का सीन भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से इस मूवी को आपको अकेले देखना पड़ेगा। थोड़ी बहुत जो है ना कॉमेडी है, बाकी तो जो है ना पकड़म पकड़ाई जो है ना चोर पुलिस के भागम भगाई जो होती है ना, उसी को आपको देखने के लिए मिलता है, तो ज्यादा उम्मीद मत लगा लेना। बाकी नॉर्मली जो है ना एक तीन लोगों की कहानी जो है ना ये मूवी दिखाती है, जिन लोगों ने जो लोग जो है ना चोरियां जो है ना करते रहते हैं। तो बाकी गाइस बात करें तो मूवी जो है ना अच्छी खासी है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, थोड़ा बहुत मजा भी जो है ना आता है आगे जाने के बाद, लेकिन उसके अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन आप जानना चाहते हो कि ये तीन लोग कौन थे और क्या क्या जो है ना किस तरह से हुआ था, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। बाकी मूवी जो है ना मुझे ठीक ठाक लगी, देखने लायक लगी, बाकी इस मूवी को जो है ना प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो। बाकी गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।